सभी का स्वागत है। सभी ने बड़ी तन्मयता के साथ, भक्ति के साथ जाप संपन्न किया और आपने बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी साध्वियों के साथ, वैरागनों के साथ जाप को संपन्न कराया। तो जाप करने वालों को और जाप करवाने वालों को दोनों को समान रूप से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आपकी श्रद्धा को, आपकी आस्था को, आपकी निष्ठा को अनुमोदन देता हूं। ये बहुत जरूरी है। कहते हैं कि रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और वे रिश्ते और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिन रिश्तों को हम दिल में सहेज करके रखते हैं। वो रिश्ता ही क्या जो अपने रिश्ते की याद ना दिलाए, जिनको अपने मां बाप की याद नहीं आती वो संतान नहीं कहलाते, और जिनको अपने बच्चों की याद नहीं आती वो मां बाप नहीं कहलाते। ये सभी रिश्ते जुड़े हुए एक दूसरे से, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए उनको हम माता पिता कहते हैं, और जिन्होंने आकर के हमें माता पिता बनाया उन्हें हम संतान कहते हैं। देखा जाए तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। रिश्तों को महसूस करो तो हर रिश्ता सबके लिए बड़ा है। बच्चों के लिए माँ बाप बड़े हैं और माँ बाप के लिए बच्चे बड़े हैं। शिष्य के लिए गुरु बड़ा है तो गुरु के लिए शिष्य भी बड़ा है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक रिश्ता परमात्मा के साथ है भक्त हृदय का। जब ऑफिस का टाइम होता है तो हमें ऑफिस की याद आती है, दुकान का टाइम होता है तो हमें दुकान की याद आती है, लेकिन जब भगवान का समय होता है तो हमें भगवान की याद आनी चाहिए। और चाहे वो प्रसंग कोई भी, अगर हमें भगवान की याद के बहाने कुछ भी हम जप और अनुष्ठान करते हैं, मालूम है आपको उतनी देर तक हम दुनिया की पवित्रतम आत्मा से हम जुड़े हुए रहते हैं। ये जुड़ाव ही हमको एनर्जिक बनाता है, ये जुड़ाव हमारी आत्मा की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और कहते हैं कि कर्मों को अगर हराना है तो आत्मा का इम्यून सिस्टम साउंड चाहिए, रोगों को अगर हराना है तो मानसिक इम्यून सिस्टम मजबूत चाहिए, मनोबल चाहिए, क्योंकि मनोबल पर हमारा शरीर का बल टिका हुआ है। तो परमात्मा एक वो स्रोत है, वो सोर्स है जहां से हमें आत्म बल प्राप्त होता है, मनोबल प्राप्त होता है, और ये मनोबल ही हमको हर मुसीबत से लड़ने की प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि वो मुसीबत हमारे मनोबल को देखकर अपने आप हार जाती है। और दुनिया में संघर्ष है, हमेशा से रहा है, इसलिए कभी कभी एक बात जरूर कहता हूं मैं सभी को,
कि कभी हारना नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हारना भी एक मरना है, हारना नहीं। क्यों हारे? जब हमको पावर दी है लड़ने की, सामना करने की, तो हारे क्यों? हम हार सकते हैं तो सामने वाला भी तो हार सकता है। तो स्वयं को हराने की बजाय हम सामने वाले को भी तो हरा सकते हैं। और जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता है, इसको हराना अगर चाहते हो तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी चाहिए। और ये जो हम जप और अनुष्ठान करते हैं, महापुरुषों से जुड़कर के उन्हें हम याद करते हैं, तो वहां से हमें पॉजिटिविटी प्राप्त होती, पॉजिटिव पावर प्राप्त होती। वही पावर नेगेटिविटी को हराती। इसलिए आपके ये जो क्षण है, जो पल है, जो बिताए हैं आपने पंच परमेश की परमात्मा के सानिध्य में या 24 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना में, महापुरुषों के साथ जो समय पल गुजारे हैं आपने, ये व्यर्थ नहीं जा सकते। बेसरते अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट 100% है, इसलिए जितने भी परिवार हैं जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराई से शाबाशी देता हूं। आपकी दुआओं में इतनी ताकत हो कि जिनके लिए भी तुम दुआ करो वो स्वस्थ हो जाए। और कोई भी आपकी दुआ से स्वस्थ हो गया तो सच कहता हूं आपके स्वस्थ होने का रास्ता अपने आप ही साफ हो गया, आपके स्वस्थ होने का रास्ता अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से शुभकामना देता हूं। इस सिस्टम को लगातार चलते हुए अभी एक महीना होने वाला है, 7 तारीख, आज 5 हो ही गई है, तो इसको अनवरत लगातार कंटिन्यू चालू रखने के लिए मैं अपने साध्वी परिवार हिमानी महाराज का, संबोधि महाराज का, आराध्य जी महाराज का, संयति जी महाराज का, पद्मश्री जी महाराज का दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं और उन्हें दिल से साधुवाद भी देता हूं। और इस सिस्टम को समय पर तैयार रखने के लिए मैं अपने ललित बाबू को भी दिल से साधुवाद देता हूं। और ललित बाबू का उत्साह वर्धन करने के लिए मैं अपने विजय बाबू छाजेड़ जी का, आशीष जी बोरा का, उनको भी दिल से शाबाशी देता। और इसके साथ साथ ये जितने भी परिवार जुड़े हैं, क्योंकि ये परिवार जुड़े हुए नहीं रहते तो सब फिर हम भी कह देते रहने दो, काहे को खर्चा कर रहे। तो जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं उन सभी परिवार के प्रत्येक सदस्य को, विशेषकर बच्चों, मैं दिल से शाबाशी देता हूं। आप सभी की धर्म भावना की अनुमोदना करता हूं और इस जाप को आप यहां तक लेकर के आए हो, इससे पता चलता है कि धर्म रथ को खींचने वाले मेरे जितने भी
महाबली जुटे हुए हैं, वो वास्तव में बड़े मजबूत हैं और इस जगन्नाथ के रथ को खींच करके ला रहे हैं। शाबाश, दिल से हार्दिक हार्दिक प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति, और ये खुशी मुझे देने के लिए कि जो मुहिम चलाई थी उस मुहिम को आपकी श्रद्धा ने जीवित रखा है। जो छोटा सा पौधा लगाया था इसे आपकी श्रद्धा के जल ने सूखने नहीं दिया, आपने बहुत ध्यान रखा है इस जप अनुष्ठान रूपी पौधे का। आपने लगातार समय का, भावनाओं का, भक्ति का, अपनी आस्था का जो जल दिया है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद तो बनता है। आप मुझे अभी तक ऐसे संभाल के रखा हुआ, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और यही यही मेरी पावर है, बस यही मेरी ताकत है, और कुछ नहीं मेरे पास। नहीं तो अकिंचन हूं, कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसों की सच्ची मोहब्बत मेरी दौलत है, और इसी दौलत पर मैं नाज करता हूँ, इसी दौलत से ही मैं दौलतमंद हूँ। और ये जिसको मिलती है मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब मानता हूँ। अगर किसी के भी दिल में मुझको स्थान मिलता है, थोड़ा भी कोई मेरे पे भरोसा करता है, तो ये मेरी जिंदगी की कमाई है, और मैं इसी को ही असली कमाई मानता हूँ। मैं कोई मंत्रों को कमाई नहीं मानता, मैं कोई बहुत बड़ी साधनाओं को कमाई नहीं मानता। मैंने अगर किसी के दिल में थोड़ा सा भी विश्वास पैदा किया है अपने लिए, और अपने माध्यम से शासन के प्रति अगर किसी के अंदर भी थोड़ा सा विश्वास पैदा हुआ है, मेरे माध्यम से कोई भी महावीर से जुड़ता है, अहिंसा से जुड़ता है, प्रेम से जुड़ता है, शाकाहार से जुड़ता है, सद्विचार से जुड़ता है, सदाचार से जुड़ता है, तो ये सबसे बड़ी कमाई। और ऐसे बहुत सारे प्रेमी हैं। मैं अपने से प्रेम करने वालों को मैं भक्त कम मानता हूँ, प्रेमी ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि प्रेम में ऐसा लगता है कि उनमें और मेरे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। भगत मानने से तो क्या होता है कि वो छोटे हो जाते, हम बड़े हो जाते। महाराज जी, ये तो आपकी महानता हाँ है। महाराज जी, दो लाइनें बोलना चाहूंगा। हाँ साच कहूं सुन ले हो सबे जिन, साच कहूं सुन ले हो सबे जिन, प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम, ये आपने जो कहा वो सत्य है बिल्कुल। क्योंकि प्रेम ही हमें एक दूसरे के समकक्ष लाके खड़ा कर देता है। प्रेम ही एक ऐसी पावर होती है जो प्रेमी को और परमात्मा को एक जगह मिला देती है। लव इज गॉड, ऐसे ही नहीं कहा, प्रेम ही परमात्मा है, और प्रेम में हम होते ही परमात्मा का रूप है। सच कहता हूं, प्रेम ही हमें ये कहता है कि ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, और मोह और स्वार्थ कहता है ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। छीनने की वजह बनाता है मोह, और देने की वजह बनाता है प्रेम। और सब कुछ दे करके भी ऐसा लगता है कुछ नहीं दिया, और जब हम किसी को स्वार्थवश कुछ भी देते हैं, तो थोड़ा सा देते तो ये जताने की कोशिश करते मैंने तुझको कितना दे रखा है, एहसान जताने की कोशिश करते, एहसान के एहसान किया है। जी जब किसी को कुछ दे करके भी हमारे अंदर ये आया कि मैंने इसके लिए ये किया है, ये एहसान है, ये दान नहीं, सेवा नहीं, प्रेम नहीं, तो हमें दे करके अगर हम भूल गए हैं तो समझो वही वही असली चीज है। दे करके अगर याद रहता है तो आपने कितना दिया है ये महत्वपूर्ण है ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया। तो प्रेम सब कुछ देने के बाद भी ये महसूस कराता कुछ भी नहीं दिया। जी और मोह में यही एक अंतर होता है, मोह और स्वार्थ में एक अंतर है। थोड़ा सा देकर के हमें ऐसा नजर आता कि मैंने कितना कर दिया। जी तो इसलिए प्रेम हमें उदार बनाता चला जाता, उदार। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। आज का बहुत मीठा संदेश, सभी जितने भी यहाँ पर
भगवान जिन शासन से जुड़े हुए जितनी भी ध्रुवी आत्माएं हैं उन सभी को हार्दिक साधुवाद देता।